स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। साथ में आपको अब दिखाते हैं कि सरहद पर हमारे जवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट के इस दिन क्या वो इंतजार कर रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा जो भी भारतीय फौज को या फिर सुरक्षा बलों को वहां पर जानता है वो समझता है कि किस तरह की आतिशबाजी वहां पर भी होती है जश्न के तौर पर। अशरफ वानी ने बातचीत की है हमारे जवानों से। पूरे देश की निगाहें आज भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में होने वाले मैच पर है। दरअसल अगर देखें तो कई लोगों को इस मैच का इंतजार सालों से था, क्योंकि जिस अंदाज से कोविड की वजह से T20 वर्ल्ड कप को रोकना पड़ा और उस बीच आज जब ये महामुकाबला हो रहा है तो देश की जनता के साथ साथ देश भर के सुरक्षा बल के जवानों, सैनिकों और बाकी सुरक्षा बल के जितने भी लोग देश भर में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं उनकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। दरअसल जहां एक तरफ सीमाओं पर देश के जवान जो हैं पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं, तो क्रिकेट में क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आज के मैच में हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मैच हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में, भारत ने अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप मैच हुए हैं 5 हुए T20 में, सभी जीते हैं। और आई होप ये इंडिया भी आज भी अच्छा करेगा और हमारी विराट कोहली को यही शुभकामनाएं हैं, इंडिया जीते और हमारे देश का नाम करे और चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराए। टीम इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ी आपको पसंद हैं और क्यों पसंद है? देखो, मेरे को तो जो विराट कोहली हमारा हिंदुस्तान का कैप्टन है वो सबसे अच्छा खेलते हैं, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। और जो KL राहुल है और बाकी सब सदस्य जो खेल रहे हैं, हमारी शुभकामना यही है जो भी चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो वो दोनों अच्छे से मेल मिलाप से खेले, खेल की दौरान मतलब कोई दुश्मनी का भावना ना रखे, सब शांति से खेले। जो भी हारे जीते इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक प्यार की संदेश हम देना चाहते हैं उन लोगों को, प्यार से खेले, मतलब सब मिलजुल कर के रहे, यही मेरा शुभकामना है। मुझे बताइए आपको किस प्लेयर से उम्मीद है जो भारत की बाजी जो है जो वहां पर उलट सकता है इस विश्व कप मैच में, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं। सर, हमारे इंडिया सर है विराट कोहली, वो इंडिया का कैप्टन है, उसी पे उम्मीद है हमारी। सर, यही शुभकामना कि इस बार जो पहले वाला मैच चल रहा है जीत रहे, ऐसे भी इस बार भी जीतेगा। ये मतलब जो पता है कि इस बार विराट कोहली जो उसका जो टीम है वही जीतेगा। मैच का काफ़ी दिन से इंतजार है, जब से ये प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, और मोहम्मद शमी, KL राहुल ये अच्छा करेंगे आज, यही है। आपकी तरफ से किस तरह के शुभकामनाएं या संदेश की टीम इंडिया को? ये मैच मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का मतलब एक शांतिपूर्ण संदेश देगा। मैं इंडिया टीम को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इंडिया टीम जीते तथा पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे और हमारे विराट कोहली जैसे कप्तान है टीम इंडिया को, और वहाँ जीत जरूर हासिल करवाएंगे। मेरा टीम इंडिया के लिए ये संदेश है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जैसे हम प्रहरी हैं, जैसे हम अपने लोकतंत्र का मान बढ़ाए हुए हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश का नाम वो और बढ़ाएं और जीदारी से खेलें। इंडिया टीम तो पक्का जीतता है, पक्का मार पटा ही है, इंडिया पाकिस्तान में जीतता ही जीता है, इसमें इंडिया ही जीतेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ जो है ये आप इन शुभकामनाएं सुरक्षा बलों की तरफ से, सैनिकों की तरफ से टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया देश का गौरव बढ़ाने के लिए क्रिकेट के मैदान में है, वहीं पर देश के ये जांबाज सिपाही देश की हिफाजत के लिए जगह जगह पर, चाहे वो सीमा हो, सरहद हो, वो भी पाकिस्तान से लगने वाली या फिर दूसरे इलाके हो, वहाँ पर तभी हम खुले आसमान या खुले मैदान में बिना किसी फिक्र के मैच देख पाते हैं जब ये जवान हमारी देश की रखवाली में लगते हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास हिंदुस्तान की हेलमेट है, ये वो हेलमेट है जो वर्ल्ड कप में कभी, ये लीजिए श्वेता जी, कप के लिए तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये हेलमेट कभी पाकिस्तान से हारी नहीं है वर्ल्ड कप में। तो तारुफ करा दे जो महाजाल हमने बिछाया हुआ है। दरअसल ये तारे तो चल रही है वहीं से, दुबई से, जब मैं और श्वेता थे और सलाम क्रिकेट आपने देखा, तो हरभजन सिंह है हमारे साथ, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। तीसरा कप अब चाहिए। मदन जी, 1983 वर्ल्ड कप, सनी भाई भी जुड़ गए हैं दुबई से, और सनी भाई तो ग्राउंड जीरो में है। सनी भाई ने आज नीले रंग की जो वो शर्ट है वो पहन ली है। श्वेता, आपने नीला नहीं पहना, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं जब भी
विक्रांत, ये तो अब जग जाहिर है कि मेरा जो, मैं अगर किसी टीम का जर्सी पहन लेती हूँ तो उस टीम के लिए ठीक नहीं रहता है, तो मैंने पहले सोचा मैं ग्रीन पहनूं, लेकिन बहुत गलत सिग्नल चला गया। एक्सेप्शन थी, खैर पीली जर्सी के साथ तो आपका जादू चल गया। लेकिन वो चेन्नई की जर्सी नहीं थी, चेन्नई की जर्सी नहीं थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ नहीं हुए, इस्लामाबाद से वसीम अकरम भी होंगे हमारे साथ, सुरेश राणा भी जुड़ेंगे दुबई से, और सबसे पहले भोपाल चलते हैं। भोपाल में रवीश है हमारे साथ, और देखिए तिरंगा क्या शान से लहरा रहा है पीछे। रवीश, सब मतलब ढाई घंटे पहले से हमने ही नहीं अपनी पेशकश शुरू की है, लोगों ने शुरू कर दिया है जश्न मनाना, इंतजार करना मैच का। जी बिल्कुल, और भोपाल में अगर आप देखें तो सुबह से ही इस मैच को लेकर उत्सुकता लोगों की इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही मैच की घड़ियां आप करीब आती जा रही हैं, लोग सड़कों पर अभी से निकल पड़े हैं। हम क्योंकि भोपाल की उस जगह पे मौजूद है जहां पर तमाम लोग भोपाल का दीदार करने पहुंचते हैं, आपने भी जगह को कई बार देखा होगा, लेकिन अब आप देखिए लोगों का जोश, इसी भोपाल की झील पर लोग झंडा लेकर निकल चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब भारत पाकिस्तान का ये मैच शुरू होगा। और अभी से इनको ये लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत के साथ पाकिस्तान का हो रहा है, इसमें हर बार की तरह जो भारत है वो पाकिस्तान को पटकनी देगा। ये तमाम क्रिकेट समर्थक हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का। आप ये बताएं क्या कहना है आज के दिन को लेकर? आज के पूरे युवा, आज हम राजा भोज की नगरी राजा भोज के समक्ष यहाँ पर मैच से पहले उत्सव मनाने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं, और हम भारत की जीत के लिए आश्वस्त हैं। रात को हम जोरदार आतिशबाजी करके या राजा भोज पे जोरदार नारे लगाकर और भारत माता की जय करेंगे और भारतीय क्रिकेटरों को बधाई देंगे। अच्छा, आज को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको? आप ऊपर आए, आप भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ इस मैच को लेकर के, आप में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए, इंडिया में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, वह एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है, और हम लोग आज सब देख सकते हैं आप पूरे यूथ में कितना एंथुसियाज्म है, और निश्चित ही इंडिया सिर्फ इस मैच को नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लेकर ही घर आएगी, ऐसे हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। पाकिस्तान से मैच होता है हर बार, सिर्फ मैच ही होता है या कुछ और? वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक पर्व होता है पूरी तरह से, एक त्यौहार की तरह उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और निश्चित ही रात में जब भारत की जीत होगी तो पूरे सड़कों पर आप देखें किस तरीके से पर्व की तरह लोग निकलेंगे और उसकी खुशियां मनाएंगे। अभी से आप देख सकते हैं ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा है श्वेता, और ये तस्वीरें बता रही है कैसे नीले आसमान के आगे ये तिरंगा इस वक्त भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर के जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा और जो उत्साह देश के अलग अलग हिस्सों में है उसकी एक वानगी भर है बस, जो फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमने आपको दिखाई है कि कैसे मैच शुरू होने से पहले ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस मैच का इंतजार करते करते, बस अब उस पल का इंतजार है जब ये मैच शुरू होगा और ये तमाम लोग टीवी सेट से चिपक कर भारत की जीत को देखेंगे। नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं जितना जश्न है कि ये कभी थमे नहीं, एक सेकंड के लिए इसे नहीं थमना चाहिए, और यही जोश जो होता है आमतौर पर विक्रांत, वही क्रिकेटर्स कहते हैं कि प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है अब तो सब मैच के लिए तैयार और अब स्टेडियम की ओर का रुख हो चुका है, इस वक्त बस आपकी रवाना हो चुकी है, इसीलिए मन भर के प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि ये प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, ये प्रार्थनाएं जा रही है उन तक। राहुल चहल के माता पिता क्या कह रहे हैं इस मैच से पहले, वो जल्दी से सुन लेते हैं। कहना है कि इंडिया वर्ल्ड कप में हमेशा जीती है, आज भी जीतेगी यही उम्मीद है, और बहुत अच्छी टीम है अपनी, और वहां पे काफी दिन से खेल रहे हैं उसमें आईपीएल में, तो सबको उसकी कंडीशन भी मालूम है, तो साथ से उसका बेनिफिट भी मिलेगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। प्ले 11 का भी पता नहीं है, पर राहुल यही है हमारा, राहुल आज खेले तो बहुत अच्छा करे और अपना 100% दे और इंडिया को जिताए। एक तो बेटा का वर्ल्ड कप में हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, और खेले मौका मिले अच्छा करे बेटा और जीते पाकिस्तान से। इंडिया जीत को लेके क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होगी जीते, राहुल चहल के घर पे मौका मिले अच्छा करे बेटा। वॉशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप में नहीं है श्वेता, चोट लगी थी उनको, और उनके बाद रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह मिली, तो सुंदर ने भी इंटरव्यू दिया आज तक को और कहा है कि चक दे इंडिया। यू डोंट सी इंडिया प्लेइंग पाकिस्तान एवरी नाउ एंड देन, सो ऑफ कोर्स दिस संडे इज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर बोथ कंट्रीज, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर इंडिया विल नो स्टार्ट दिस टूर्नामेंट ऑन अ वेरी हाई नोट, एंड आई थिंक इंडिया हैज टू विन दिस गेम एंड इंडिया विल। एज अ प्लेयर डू यू अप्रोच दैट गेम डिफरेंटली? Sadly, I've never played against Pakistan, so I'll let you know once I get to play against them. What is your one message to Virat and the boys before they take on our rivals, Pakistan? I'm sure the whole country is behind all of you, and
we only expect greatness from you since you've shown us a lot of great things in the past. I'm sure India will win this World Cup and wish you all a very, very good luck. हरभजन सिंह भी है स्टूडियो में. बच्चों वेलकम. थैंक यू. अब ये कप हो जाए. अरसे से तरस रहे हैं कि कप आ जाए और इससे बेहतर मौका नहीं है इंडिया के पास. बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, क्योंकि पिचेस जो हैं वो इंडियन पिचेस की तरह हैं. आपकी टीम जो है अभी आईपीएल खेल के आई है, सब लोग फॉर्म में हैं और ये मौका भी है, दस्तूर भी है. बहुत टाइम भी हो गया, 2007 को गए हुए, अब कोई और खुशी का माहौल होना चाहिए और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है इस बार बहुत खरी उतरेगी और कप जीत के लाएगी. नहीं, हम तो 2011 के भी उस जश्न को अगर लगा ले मदन जी तो भी 10 साल हो गए हैं. हाँ बिल्कुल. अब तो बस चाहिए और जीत से आगाज आज होगा. नहीं, जीत से आगाज होगा क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी टीम की एनालाइज करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बैलेंस टीम है. इससे बढ़िया बैलेंस टीम नहीं हो सकती. अगर ऊपर से देख लीजिए, नीचे से अगर आप ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा की बात करें, वो 4 ओवर में गेम को पलट सकते हैं. तो ये टीम है हमारे पास. अब यह है कि अब रिजल्ट जो है आज का दिन उनके लिए अच्छा होना चाहिए, ताकि जो उन्होंने रणनीति बनाई है वो एग्जीक्यूट प्लान करें. और मैं समझता हूँ कि जैसे टीम है जीतनी चाहिए हमारी आज. बिल्कुल जीतनी चाहिए. पसीना आ रहा है श्वेता? हल्का सा. कितना हल्का? बहुत ज्यादा जी. आपके हैं, आपके हाथ में पसीना आ रहा है? ग्रिप डिस्टर्ब करने लगी. अभी इतनी है, जब 7:30 शुरू होगा फिर देखेंगे. मैं आपको दुबई लेकर चलता हूँ जी, क्योंकि सनी भाई से अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि माथे पर भी पसीना आ रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है. सनी भाई, ये तो जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर हम इंडिया में बैठ के उस मैच को इतना बड़ा एंटीसिपेट कर रहे हैं. आप चूंकि वहां पे हैं, आप ग्राउंड भी पहुंचने वाले हैं, जरा बताइए ना वहां पर क्या चल रहा है और झंडे ज्यादा किसके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कपड़े दिखे, वो ब्लू ज्यादा, नीले नीले रंग के जो कपड़े हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं. मैंने भी तो पहने हैं, पर ये तो हमें आईसीसी ने दिए. मतलब हर एक जो कमेंटेटर है वो यही ब्लू कलर के कपड़े पहनेगा, शर्ट पहनेगा. फर्क इतना ही है कि जो इधर की एक जो पाइपिंग बनती है वो एक लाल होती है और एक येलो होती है. तो आज मैंने वो येलो पहनी है, वो लाल क्योंकि येलो इसीलिए पहनी है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी आईपीएल जो हुई थी तो टूर्नामेंट किसने जीती थी? येलो वाले सीएसके ने. इसीलिए आज के मैच के लिए खास करके मैंने येलो वाली पहनी है और दूसरे मैच होंगे तो वहां पर मैं लाल वाली पहनूंगा. असल में ये बात ये है कि कोविड की वजह से जो इतने समय तक क्रिकेट हुई भी नहीं है और इससे बड़ा मुकाबला होता नहीं है क्रिकेट के मैदान पर, इसीलिए जो जनता है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है. जितने हिंदुस्तानी है इस समय सब तिरंगा लिए ये सोच रहे हैं कि जीत तो हासिल करनी ही है. प्रेमा के पास चलते हैं हम सीधे कोलकाता. प्रेमा बताइए, जो स्पोर्ट्स लवर्स की सबसे बड़ा लैंड है, जो जमीन है स्पोर्ट्स लवर्स की, वो क्या आवाज दे रही है? श्वेता, आज लोगों को मौका मिल रहा है फिर से ढोल बजाने का. दुर्गा पूजा के बाद आए हम लोगों से बात करते हैं. यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा, क्योंकि उनको यकीन है कि इंदिरा जरूर अच्छी तरह से खेलेगा. आए आपसे पूछते हैं कि आपको क्या यकीन है इंडिया अच्छी तरह से खेलेगा, क्योंकि बहुत साल बाद इंडिया पाकिस्तान आज खेलेंगे मैदान पर. यकीन ही नहीं, 100% जीतेंगे, किसी भी कीमत पे जीतेंगे. ये मैच हम लोग जीतेंगे ही. ये जुनून पूरे भारतवासी में है और 11 स्टार खेल रहे हैं, 11 स्टार लेकर आएंगे कप, ये भी हम वादा करते हैं. और तुम्हें क्या लगता है, इंडिया जीतेगा? हाँ, एकदम ही जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा. तो जी श्वेता, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोगों को यकीन है कि इंडिया जीतेगा और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा और इंडिया कैसे खेलेगा. सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पर यकीन तो है कि इंडिया जरूर जीतेगा. श्वेता, आप सिर्फ नाम पूछिए, उस बच्चे का नाम तो पूछिए, क्या जज्बा दिखाया उन्होंने, क्या पता कल चल के इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हो. बिगुल तो इन्होंने बजाया है. अभी तक तो हम ठंडी ठंडी बातें कर रहे थे, जो उन्होंने किया ना, जीतेगा भी जीतेगा. आप पहले नाम पूछिए इस बच्चे का. तुम्हारा नाम क्या है? क्या? नाम क्या है तुम्हारा? श्रेयस जायसवाल. और यकीन क्यों है कि इंडिया जीतेगा? हाँ, जीतेगा भाई, जीतेगा. लेकिन यकीन क्यों है कि इंडिया जीतेगा? अपने भारत में तो यकीन क्यों नहीं होएगा? तो कह रहा है कि भारत में है तो यकीन क्यों नहीं होगा कि इंडिया जीतेगा. श्वेता और विक्रांत, भजू, ये पाकिस्तान से मैच है. एक अरसा था जब आप भी क्रिकेट खेलते थे. पाकिस्तान के मैच से पहले
इतना हमें नहीं होता था कि जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन अब शायद वक्त बदल गया है। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वो फाइनल की हार मुझे और आपको तो ज्यादा सताती है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर कह दिया था मैच खेलने की क्या जरूरत है यार। उसके बाद चार साल से पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, ढूंढ के लाओ जिन्होंने कहा था मैच खेलने की। ऐसी बातें तो नहीं करते, लेकिन जब खेलते थे तब आप बातचीत हम ऐसे ही करते थे, हम ऐसे ही लोग उत्साह बढ़ा रहे थे, आप लोगों को पता होता था कि इतना ज्यादा प्रेशर है और अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या होगा? देखिए प्रेशर तो हर मैच का ही होता है, पर पाकिस्तान का थोड़ा सा हम ज़्यादा ही बना देते हैं, हमारे मीडिया आप लोग सब लोग मिल करके ज़्यादा बना देते हैं, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शायद मैच ना वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही होना चाहिए, क्योंकि हर दिन होगा तो हर दिन ही प्रेशर में खेलना पड़ेगा, या फिर कट्ठे 11 बिल्कुल, या एक ही बारी 11-15 मैच करवा दो ताकि प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। बट दिस इज़ अनबिलीवेबल, यू नो कैसे कहाँ से शुरू हुआ वो कारवा और जीतते ही चले आ रहे हैं, और आज भी वो मौका है हमारे पास कि वो रिकॉर्ड को बरकरार रखना है कि 13वीं बार आज पाकिस्तान को हराना है। दोनों जोड़ कर तो वाकई 13वीं है आज पाकिस्तान की तो हार होगी, 13वीं हार पाकिस्तान की आज होगी, दोनों अगर हम जोड़ लें वर्ल्ड कप और 2020 और चैंपियंस ट्रॉफी जरूर है। ये हमारे पास मौका है, आज हम जीतेंगे तो फिर हम भी बड़ी डंके की जोर से कहेंगे कि हम ही थे जिन्होंने कहा था कि हाँ भारत जीतेगा, और आज भारत जीता है। कोई एक चीज जो आपको डराती हो सताती हो, कोई एक? देखिए डर तो बस यही लगता है कि 2-4 इकट्ठे ना आउट हो जाएं हमारे बंदे, बस क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर ऑपोजिशन एज वेल, क्यों वो भी आए हैं खेलने, वो भी अपनी मेहनत मशक्कत करेंगे, बट हम यही दुआ करेंगे कि हमारी टीम जो है वो खरी उतरे और जीत के आज भारत का झंडा जो है दुबई में लहराए। वाकई बिल्कुल ऐसा ही हो, और मैरी कॉम भी यही विशेष दे रही हैं विराट कोहली को, सुनते हैं। आप देखेंगी ये अरे खेलेगा तो देखूंगी नहीं क्या? तो क्या मैसेज देंगी विराट को मैच की सच में? जो खेलेगा नहीं खेलेगा तो मेरे डिसीजन में मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन जब इंडिया खेलेगा तो क्यों मैं चेयर नहीं करूंगी अपना इंडिया के लिए? आई विल चेयर फॉर इंडिया, आई विल चेयर फॉर ऑल द प्लेयर, सब मेरा भाई विराट है तो फिर उन लोग के लिए चेयर करना चाहिए, मैं ज़रूर करूंगी। विराट भाई हैं और विराट भाई पे बहुत कुछ निर्भर करता है मदन जी, क्योंकि विराट भाई जो हैं इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहे हैं, और यहाँ से आगाज़ आपको करना है क्योंकि भले ही आपकी टीम आपके पूल में न्यूजीलैंड भी है, आपकी टीम में एक बार दुबई की तस्वीरें दिखा दें, वहां के फैंस क्या कह रहे हैं? सबने अपना अपना धुन बना लिया है, कंपोज कर लिया और सब यहाँ पर। ये कौन सी जर्सी है विक्रांत? समझ नहीं आया। कीवीज की जर्सी आज ही पहन ली? हाँ, वो भी आज भारत को सपोर्ट करने पहुंचे नहीं क्योंकि पाकिस्तान से, अच्छा पाकिस्तान ने कहा भी था ना कि वो कीवीज को ही हराना चाहते हैं। सलाम क्रिकेट में मतलब मैं दंग रह गया क्योंकि शोएब ने भी बार बार कहा कि इंडिया तो ठीक है, शायद वो समझ गए कि इंडिया ठीक है, मतलब भाई अब आपको कहाँ हराएंगे, लेकिन हमने न्यूजीलैंड को हराना है। ये सब बातें जो है, न्यूजीलैंड को हराना है क्योंकि हमारे मुल्क से चले गए, ये इनकी जरूरत पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें करने की जरूरत थी, पर वहाँ बहुत सी और भी बातें हुई थी जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम क्रिकेट डिस्कस करने गए थे, वहाँ कुछ मुद्दे और ही शुरू हो गए थे, हमने काट दिए। अच्छी बात क्योंकि हम क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की बात करें तो ज़्यादा हम लगेंगे अच्छे कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के मुद्दे बहुत बड़े हैं, हमारी समझ से मेरी समझ से तो बाहर हैं, और मुझे नहीं लगता है कि जो बाकी के मेरे साथ वहाँ क्रिकेटर बैठे थे मंच पे, एक दो को छोड़ के किसी को ज़्यादा इस बाकी की चीज़ों की नॉलेज है भी, कईयों को तो अपनी गेम की भी नॉलेज है, वो भी बात कर रहे थे वहाँ पे। बड़ा मज़ेदार, आपको पता कि नहीं वो जो घबराना नहीं है वो एक्चुअली इमरान खान ने जब इनकी टीम नीचे लगी हुई थी तो उन्होंने अभी कहा था ना कि घबराना नहीं है, तो उन्होंने शोएब ने आज ट्वीट किया है बाकी सब ठीक है पर घबराना मत, यानी कि ये इसका मजाक ही बन जाता है विक्रांत। मुझे वही नहीं समझ आया कि उन्होंने अपनी टीम के फेवर में ये कहा है या फिर मदन जी, ऐसे में जब इतने बयान चल रहे होते हैं उसमें अगर विराट कोहली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को वो किसी भी तरीके से कम नहीं आंक रहे, बहुत बैलेंस, जो कि देखिए भले ही एक
ऐसा बयान होता है जो आपको सार्वजनिक रूप से देना है, लेकिन खेल आपको मैदान में दिखाना है, बातें आपको बैलेंस्ड करनी है मैदान से बाहर। देखिए यही कैप्टन का होता है कि वो जो बात करे बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस से करे, क्योंकि देखिए ये मैच है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2020 का गेम है, कभी भी इसमें अगर आपके हाथ से गेम निकलता है तो बिल्कुल ही वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। पर विराट जो है बड़ा एक समझदार खिलाड़ी है, और विराट की अभी विक्रांत ने भी बात की थी, मैं खुद चाहूँगा कि विराट ये टूर्नामेंट जीते, क्योंकि देखिए उसकी कंट्रीब्यूशन जो भारतीय टीम के लिए रही है बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रही है, और उसने भारत की टीम को बनाया है। अगर आप देखें, अगर आप अभी 4-5 साल से MS धोनी के बाद जब इन्होंने छोड़ा है, उसके बाद विराट ने टीम को बनाया है और टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचाया, और मैं चाहूँगा कि ये टाइटल वो जीते, ये मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि इतनी कंट्रीब्यूशन करने के बाद तो बनता है ना उनका। अच्छा, सारे लोग जो हैं वो अपने तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, हार्डी संधू ने किस तरह से शुभकामनाएं दी हैं सुनाते हैं। अगर हम इंडिया वाले तो हम तो हमेशा यही उम्मीद लगा के चलेंगे कि इंडिया जीतेगा, और डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, बिकॉज इस टाइम टीम बहुत स्ट्रांग है, एंड इवन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट MS धोनी इज विद द टीम एज अ मेंटर। तो लेट्स सी मैच से पहले टीम इंडिया विराट कोहली और उनके बॉयज के लिए। मैं तो देखो इस गाने के लिए तो ऐसी सिचुएशन के लिए परफेक्ट गाना मेरा नहीं है, पर इट्स चक दे इंडिया। I'm looking forward. India is gonna win. अच्छा, हार्डी संधू का मदन जी और भज्जू दोनों से रिश्ता है, आपको पता है? अच्छा। वो जो 1983 मूवी है उसमें मदन जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और भज्जू से पूछिए, वो पंजाब की तरफ से खेलते थे इंडिया अंडर 19 में, उन्होंने तेज गेंदबाजी की। अरे वाह, तो ये चक्कर है। तो ये बताते हुए ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बातें भी हो रही हैं यहाँ पर, हम थोड़ा इसके बाद एनालाइज भी करेंगे कि बाबर आजम को अगर कहा जाता है कि विराट कोहली की के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, विराट कोहली को वो अपना आइडल बोलते हैं, तो कैसा टकराव होगा। लेकिन ब्रेक से पहले मुझे लगता है कि हम दिल्ली चलते हैं। नितिन है मेरे साथ, नितिन ये क्रिकेट के बच्चे हैं या फिर कुछ और ही है? सर ये क्रिकेट के बच्चे हैं, और जो जोश आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर उम्र के बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया के लिए ये चीयर कर रहे हैं, और चाहते हैं कि इस बार जो है अब जो हमारा रिकॉर्ड है वो कायम रहे और ट्रॉफी जो है वो फिर से वापस भारत आए। बात करते हैं सर कुछ बच्चों से, और जानते हैं आपको क्या लगता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, आप जब अभी इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलती है आमने सामने, जीत जो है वो भारत की झोली में आती है। आज भारत अपने T20 वर्ल्ड कप का आगाज कर रहा है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ, आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली T20 सर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता पाकिस्तान से, और हमें उम्मीद है सर इस बार भी इंडिया ही जीतेगा, और ये हम रिकॉर्ड क्रिएट करते रहेंगे। और भी बच्चे हमारे साथ, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, आज आप कौन से प्लेयर को, इंडिया के कौन से प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग भी करता है, हमें पता है। नितिन आते हैं आपके पास, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और तो आप चाय पीनी थी, आप मिठाई भी ले सकती हूँ, आज मिठाई तो खाएंगे हम मैच के बाद। आपके पास भी मिठाई रखी मैच के बाद, लेकिन पहले से तैयारी आपने कर ली है इलेक्शन की तरह से, मुझे लग रहा है। अच्छा, इलेक्शन में क्या मिठाई खिलाते हैं? मिठाई पहले से तैयार करते हैं दोनों पक्ष, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत में तैयारियां हुई हैं, क्योंकि आत्मविश्वास हमारा जोश हाई है। वो भी चलते हैं ना इस्लामाबाद थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद लौटते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज तक पर तो ये अगले 2 घंटे हम रहेंगे आपके साथ, सुनील गावस्कर भी रहेंगे, वसीम अकरम भी आएंगे, मदन जी हैं, हरभजन है, पूरा हिंदुस्तान भी है, लेकिन एक छोटा सा चैनल और है जिसका नाम है स्पोर्ट्स तक, यूट्यूब पर आता है, और अगर आप वाकिफ नहीं है तो प्लीज एक बार जाकर वहां पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, हाउजैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।